मैं बसाखी राम नायब सरपंच लोअर जमाना है। आज हमें सुबह 5 बजे हमें संदेशा मिला शुरू सरपंच के जो फोर्थ टीम जो है बैक टू विलेज की वो हमारी मीटिंग कर रही है हमारी पंचायत में, तो आपने सभी पंचों को इन्फॉर्म करना। तो मैंने शाम को कोई 8 बजे इनके साथ मीटिंग की, ये बड़े नाराज हैं उनके साथ, मैं भी नाराज हूं। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का संदेशा है मगर हमने जाना, अपनी ग्रीवियंस जो है वन टू वन आप वहां बता सकते हैं। हमारे साथ जो 4 साल हमने पीरियड निकाला, हमारे साथ जो हुआ वो हम वेरी वेल जानते हैं। 1 साल हमारे साथ बड़ा अच्छा तरीके से हमारे सरपंच विक्रम कुमार शर्मा जी ने बड़े अच्छे तरीके से साथ डीलिंग हुई, जैसे सास और नूह की होती है। मैं डोगरी में भी बोलना चाहूंगा मगर हिंदी में बोल रहा हूं, या अभी मैं थोड़ा डोगरी में आ जाता हूं। तो ऐसे बर्ताव इं बर्ताव किया साढ़े कन्नै जियां सास नूह का बड़ा इं मजे कन्नै समझ के घर जरा चला दा पीसफुली। असें एक मीटिंग की एज ए नया सरपंच विद दी सपोर्टिंग ऑफ दी 5 नंबर ऑफ पंच, मैं दैन नया सरपंच बना मगर ब्लॉक लेवल में मैं पंच ही हूं। मैं आज भी जहां एंटर किया हाल में तो मैं बेंच पर ही बैठ रहा था कि जब ब्लॉक लेवल में मेरे को पंच कंसीडर किया है तो मैं अपनी पोस्ट पर बैठूंगा, मैं ऊपर जाकर क्या बैठूंगा। जो फोर्थ टीम जो है बैक टू विलेज की वो हमारी मीटिंग कर रही है हमारी पंचायत में, तो आपने सभी पंचों को इन्फॉर्म करना। तो मैंने शाम को कोई 8 बजे इनके साथ मीटिंग की, ये बड़े नाराज हैं उनके साथ, मैं भी नाराज हूं। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का संदेशा है मगर हमने जाना, अपनी ग्रीवियंस जो है वन टू वन आप वहां बता सकते हैं। हमारे साथ जो 4 साल हमने पीरियड निकाला, हमारे साथ जो हुआ वो हम वेरी वेल जानते हैं। 1 साल हमारे साथ बड़ा अच्छा तरीके से हमारे सरपंच विक्रम कुमार शर्मा जी ने बड़े अच्छे तरीके से साथ डीलिंग हुई, जैसे सास और नूह की होती है। मैं डोगरी में भी बोलना चाहूंगा मगर हिंदी में बोल रहा हूं, या अभी मैं थोड़ा डोगरी में आ जाता हूं। तो ऐसे बर्ताव इं बर्ताव किया साढ़े कन्नै जियां सास नूह का बड़ा इं मजे कन्नै समझ के घर जरा चला दा पीसफुली। असें एक मीटिंग की एज ए नया सरपंच विद दी सपोर्टिंग ऑफ दी 5 नंबर ऑफ पंच, मैं दैन नया सरपंच बना मगर ब्लॉक लेवल में मैं पंच ही हूं। मैं आज भी जहां एंटर किया हाल में तो मैं बेंच पर ही बैठ रहा था कि जब ब्लॉक लेवल में मेरे को पंच कंसीडर किया है तो मैं अपनी पोस्ट पर बैठूंगा, मैं ऊपर जाकर क्या बैठूंगा। मगर 1 साल के बाद मैंने इनके साथ मीटिंग की कि ऐसा नहीं चलता भाई, हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा सरपंच है उसको हम सीनियर बनाएंगे। एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्किंग द एनी बॉल, पहली जो कड़ाई है वो फेंकेगा हमारा सरपंच, उसके बाद हमारा सभी का ये फोटोग्राफी होगी, हम सभी इकट्ठे होकर एक गुलदस्ते में चलेंगे। एक काम पता नहीं 6 नंबर वार्ड का है, वो वहां इकट्ठे हुए, वहां हमने सुना जितना हमारे से हो जाता था लड्डू वगैरह बर्फी वगैरह बांटी, और एक सुने की कड़ाई हमने विक्रम कुमार शर्मा से वहां डाली। जब दूसरी पंच वार्ड में काम लगा, वार्ड नंबर 2 है, यहां काम स्टार्ट हुआ, जब इन्होंने देखा कि ये 4 पंच इकट्ठे आ रहे हैं, मुद्दा कहां से बना, फ्रैक्शन कहां से पड़ी, दरेड़ कहां आई, जब हमने सुनने के देखा उसने सरपंच ने तो उसने इमीडिएट अपना मोबाइल उठा लिया कि मेरे को पता नहीं किसका फोन आ गया किसका नहीं, मैं जा रहा हूं आप देख लेना। मैंने कहा यू आर सरपंच, आप सरपंच हैं, आप कटे जहां रहो, आप जहां बैठो, तो कोई बात नहीं यार, पहला इनॉग्रेशन आपने करना है, हमने मुहिम चलाई है, तो नहीं मैं जा रहा हूं। वो यार जहां कुछ देना पड़ता है जहां कुछ करना पड़ता है उसमें कराई, वो मिस्त्री मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, थोड़े करना था पैसे थोड़े करना था,
लड़ सुना दिया तूने करना था उसको मध्य राय रख दिया ये बात। उसके बाद हमारे साथ इन्होंने रब्ता का पीछे करते 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 ये पीछे ही हट गए बे सुनना। उसके बाद मैं विनोद कुमार सोशल वर्कर जो है मैं तुमाना पंचायत में आज जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था उसके साथ यहाँ बहुत सारे पंच और सरपंच और गांव के कुछ मौजूद आदमी जो थे वो इकट्ठे हुए थे और वो ये सारा प्रोग्राम जो है वो एक शोर शराबे के साथ ही ख़त्म हुआ और कोई नतीजा नहीं निकला इस बैठक का। और ये जो गांव के लोग हैं इनके अपने इंटरनल ग्रीवियंसेज हैं कुछ, इनको कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो आज तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। पंचायत सेक्रेटरी ने आगे कोई बताना था कि उन्होंने क्या हिसाब किया, कितना पैसा आया, कितना लगा, तो इनके जो इंटरनल जो डिस्प्यूट हैं वही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो गाँव जो है वो तरक्की की ओर कैसे जाएगा? तो मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है, चाहे वो पंच हैं या सरपंच हैं या गाँव के दूसरे लोग हैं, कि गाँव की तरक्की जो है वो वैसे भी हो सकती है अगर हम बैठ के कोई प्लानिंग करें। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एक ग्रेट लीडर हैं, उनके गांव की एक मिसाल दी जाती है ऑल ओवर इंडिया में। उन्होंने सरकार का एक रुपया भी वहां पे नहीं लगने दिया और उन्होंने पूरे गांव की डेवलपमेंट कराई है। वहां के जितने भी लोग थे उन्होंने बैठ के प्लानिंग की और उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके अपने पैसे से उन्होंने जो है वो गाँव अपना ठीक किया। उसके बाद मैं तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास एक गाँव है उसका नाम है उडन्नाथुरी और वहाँ पे जो है वो पंचायत का वो दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। आज से कुछ साल पहले वहाँ की खाली झोपड़ियाँ थी और आज जो है उन्होंने मैं बिंदु कुमारी पंच वार्ड नंबर 6 आज सारा बैक टू विलेज था। पहले तो सानू कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई बैक टू विलेज की, तो इन्फॉर्मेशन भी सानू थोड़ा लेट के मिली है ताही अस लोगों की भी नहीं सुनाई सके। चलो जो सरपंच कने टाइप है तो लोग आए जिन्हें असें थोड़ा लेट सुनाया वह भी आए, पर अपने मतलब कि बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हें फोर्थ फेस आई है अज तक साड़ा बैक टू विलेज कोई काम नहीं होया ना सानू पता है। जो चीजा लिखिया लेंदे ने जो प्लान लिखिया लेंदे अज तक साड़ा कोई काम नहीं होया और उइयो चीजा सरपंच दी पुछने जिले कि अपने नायब सरपंच दी पुछने कि साड़ा कोई काम क्यों नहीं होया, किन्नी ग्रांट आई, किन्ना पैसा आया। नायब सरपंच जिले सरपंच दी पुछदे आ जेड़े पंच दी ढिड पीड़ आ दी सानू आपू आइए पुछे कल आइए मिले सानू ये सरपंच दी वर्डिंग है। लेकिन सरपंच जेड़ा है सरपंच साढ़े पर पंच में कोर्ट केस करता है ते मैं इयो जानना चाहनी हां आखना चाहनी हां कि केड़ा सरपंच है जेड़ा अपने पंच दी कोर्ट च घसीटदा। साडा सरपंच जेड़ा असी बड़े वारी आखिया कि टेबल पर बैठ गल कर लेकिन उन्हें ये चीजा नहीं करनी, उन्हें सानू कोर्ट च लेना क्योंकि उन्हें अपनी जेड़िया ओदियां चोरियां चलाकियां उन्हें कीती दियां ने उन्हें छुपाना चाहता है। अगर वो साफ हुंदा सही हुंदा साढ़े कन्नै बैठदा गल करदा, उन्हें चीजा नहीं कीतियां। और एदे इलावा जेड़े साढ़े SBM दे केस ने वो कोई नहीं होए और आवाज योजना का भी साड़ा कोई केस नहीं होया, वो उही होए जो सरपंच का इंटरेस्ट हा। और मैं बीइंग ए लेडी पंच मेरी SC वार्ड है।